जय हिंद दोस्तों। जो देश खुद एक आतंकी को पोस रहा है, यहाँ तक कि उसे अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी में एक एजेंट की तरह रख रहा है, जो देश भारतीय स्टूडेंट्स की हत्याओं को रोक नहीं पा रहा, जो देश भारतीय दूतावासों को Z+ सिक्योरिटी नहीं दे पाता, वो देश आज ये कह रहा है कि भारत में एक विशेष वर्ग के साथ भेदभाव किया जा रहा है, भारत सरकार जबरदस्ती उनके साथ अत्याचार कर रही है। बल्कि इस देश के सबसे बड़े आयोग संगठन ने भारत को पक्षपाती बताकर भारत की आलोचना तक की। हालांकि इसके बाद भारत के विदेश विभाग की ओर से जो जवाब इस मुल्क को सुनाया गया वो देखने लायक था, और आज हम उसी जवाब की बात करने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते। तो दोस्तों, बात हो रही है दो देशों में झगड़ा पैदा करके वहाँ अपने हथियार बेचने वाले अमेरिका की। वैसे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं कि भारत पाकिस्तान में जो 4 युद्ध हुए उसमें अमेरिका ने दोनों देशों को हथियार बेचकर कितना पैसा कमाया होगा। अमेरिका का काम ही यही है कि दूसरों को आपस में उलझाकर अपना फायदा निकालना, और वो भारत को लेकर आज भी यही नीति अपना रहा है। अब देखिए, नव भारत टाइम्स की इस आर्टिकल के मुताबिक अमेरिका की USIRCF संगठन ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें भारत को सीधे सीधे पक्षपाती मुल्क बताया गया। अब पक्षपाती किस बात को लेकर बताया गया, तो भारत में अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय पर भारत सरकार अत्याचार कर रही है, ऐसा USIRCF ने अपने रिपोर्ट में लिखित रूप से जारी किया है। रिपोर्ट में ये लिखा गया कि 2023 से भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। भारत की सरकार ईसाइयों, सिखों, दलितों, यहूदियों और खासकर मुसलमानों को प्रभावित करने वाली सांप्रदायिक हिंसाओं को रोकने में विफल रही। हिंदुओं को छोड़कर भारत में किसी भी अन्य धार्मिक संप्रदाय के लोगों को गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं दी जाती, बल्कि इनके समर्थन में आवाज उठाने वाली मीडिया संस्थानों पर भी एक्शन ली जाती है, जो एक तानाशाही से कम नहीं। रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका ये कह रहा है कि भारत में सिर्फ हिंदू सुरक्षित है, सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों की मौज है, बाकी सब अपने अधिकार के लिए रो रहे। अब आप ही बताइए इसमें कितनी सच्चाई है और कौन अपने अधिकार के लिए तरस रहा है। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि जो कानून हिंदुओं के लिए सख्त है उसे तो अल्पसंख्यक वर्ग मानता भी नहीं, फिर चाहे हम दो हमारे दो हो या अनगिनत शादियां। लेकिन अमेरिका को ये नहीं दिखेगा। भारत के विदेश विभाग ने सिर्फ यही कहा कि जैसे अमेरिका को भारत में बसे अल्पसंख्यक वर्ग की चिंता है, वैसे ही हमें अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय स्टूडेंट्स की चिंता है, जिनकी लगातार हत्याएं हो रही है और अमेरिकी सरकार उसकी ओर देख भी नहीं रही। अमेरिका को भारत में हो रहे चुनावी प्रदर्शन तो दिख रहे, लेकिन आपके ही CIA के साथ काम कर रहा पन्नू नहीं दिख रहा, जो भारत विरोध में एजेंडा चलाता रहता है। खुद अमेरिका अपने यहाँ बसे अल्पसंख्यक वर्ग को सुरक्षा नहीं दे पाता और मुंह उठाकर भारत पे आरोप लगा देते। इसीलिए अमेरिका पहले अपने गिरेबान में झांक कर देके और फिर भारत को लेकर कोई रिपोर्ट पब्लिश करे। अब देखा जाए तो अमेरिका पाकिस्तान को लेकर कभी ऐसी रिपोर्ट जारी नहीं करता, जबकि भारत को लेकर तो करता है। अमेरिका को अल्पसंख्यक वर्ग की पड़ी है, लेकिन हिंदुओं से नफरत है। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।